हम 1.5 महीने से ब्लॉग अपलोड कर रहे हैं, मेरा वॉच टाइम ऊपर जाना चाहिए वो नीचे आया यार। क्या यार जिंदगी है यार। अच्छा भला वॉच टाइम ऊपर जा रहा था, पता नहीं नीचे क्यों आना। हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो यार आप लोग भी सोच रहे होंगे आपका भाई क्या कर रहा है यार। आज मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। लोग व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं उनको व्यूज आना शुरू होते हैं, व्यूज अच्छे खासे 1.5 महीना काम करें तो उनको अच्छे व्यूज आ जाते हैं। बट हमारी किस्मत अल्लाह हाफिज है, हम 1.5 महीने से ब्लॉग अपलोड कर रहे हैं, मेरा वॉच टाइम ऊपर जाना चाहिए वो नीचे आए यार। क्या यार जिंदगी है यार। अच्छा भला वॉच टाइम ऊपर जा रहा था, पता नहीं नीचे क्यों आने लग गया। ना इतने खास कोई व्यूज आ रहे थे, 30-30, 40-40 ये भी की व्यूज है। अजीब सिस्टम है यार। याद आ गया, मुँह तो मैंने धोया ही नहीं, मैं मुँह पहले धो लूँ। वीडियो के अंदर इतना गंदा मुँह आ रहा है आपको क्या बताऊँ। सामने टूटी लगी है, वहाँ से हल्का फुल्का पानी मार लेते हैं। थैंक यू। अब उम्मीद करता हूँ थोड़ा अच्छा मुंह आएगा। मुंह हाथ आपके भाई ने धो लिया, उम्मीद करता हूँ अब थोड़ा सा बेहतर आ रहा होगा। सो इन बातों को छोड़ो, व्यू शूट की क्या बात है, आ जाएंगे इन फ्यूचर के अंदर इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, बेहतरीन निजाम हो जाएगा अपना भी। मेहनत करनी पड़ती है यार, हर काम के अंदर मेहनत करनी पड़ती है, इंशाल्लाह बेहतरीन निजाम होगा अपना भी इंशाल्लाह। अभी मैं अपने ब्लॉग को पब्लिक करूंगा, मोबाइल की बैटरी भी 10% रहेगी, ये भी नीचे जाके चार्ज करते हैं। सारे किचन के अंदर कैबन बन रहे थे, कैबन की भी आपको दिखाऊंगा, कैबन बन रहे हैं, कंप्लीट होना है आज इंशाल्लाह, कंप्लीट हो जाएगा। सो वो भी आपको दिखाऊंगा। सो अब मैं नीचे चलता हूँ, नीचे चलकर मोबाइल चार्जर के ऊपर लगाता हूँ। सो यार इधर से ही होता है हमारा ब्लॉग का स्टार्ट। वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। सो यार मैं अभी नीचे बैठा हूँ, यहाँ पे बैठना है मैंने, नीचे काम शाम हो रहा है, उनको देखना है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, नीचे इसलिए बैठते हैं कि ये सामान सामून पड़ा हुआ है और नीचे काम भी हो रहा है, और अगर कोई आके पूछता है उसको बताना पड़ जाता है क्या बंद है, क्या कब तक ओपनिंग होगी ये भी बताना पड़ जाता है। सो यहाँ पे सामने कलर भाई कर रहे हैं, ये वाले भाई कलर कर रहे हैं यहाँ पे ब्लैक रंग का, तो यहाँ पे दोबारा ब्लैक कलर का रंग कर रहे हैं। ऊपर जो से हमारे कैबिन बन रहे थे वो कैबिन भी बन रहे हैं, वो आपको ऊपर जाके मैं बात में दिखाऊंगा। सो अभी मैंने मोबाइल भी चार्ज कर लिया, 28% है, थोड़ा और चार्ज कर लेते हैं। तो चार्जर हमारे पास है ये वाला, तो यहाँ से इस चार्जर से हम अपना मोबाइल चार्जर करेंगे। अगर आप लोगों ने मेरे कल वाला ब्लॉग देखा होगा, मैंने आपको बताया था अभी कैबिन ओके नहीं हुए, कल ओके होंगे। सो आज के दिन वो ओके होने पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए ये कैबिन है सारे, ये ऐसे बने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कैबिन बने हुए हैं। इसके अंदर सामान सामून रख लेंगे लड़के जो काम करेंगे, मैं भी किचन के अंदर होऊंगा। सो अच्छे बन गए हैं ये, आप लोग देख सकते हैं। ऊपर वाले फ्लोर के अंदर भी कैबिन बन रहे हैं, वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। सो अभी मैं जाने लगा हूँ ऑफिस, हमारा 3rd फ्लोर के ऊपर है। सो ऑफिस चलते हैं। ये बच्चा आपको बैठा हुआ दिख रहा होगा, मैं आपको इसकी तल्ख हकीकत बताता हूँ। ये यहाँ जीसी यूनिवर्सिटी है, यहाँ से लोग गुजरते हैं। ये लड़का ऐसे बैठ जाता है जैसे कोई काफी देर से थका हुआ है, ये वो बड़ी मेहनत की है, मान लिया थका भी हुआ है, जो भी कैसे काम किया जो भी करता है, हो सकता है थका हो, ये नहीं कि नहीं थका हो सकता। बट इससे ज्यादा कमजोर हालत का लड़का, जहाँ पे मैं मिस्टर विंग्स के ऊपर काम करता था ना, वहाँ पे लड़का काम करता था, 16,000 सैलरी की उस बंदे की काम करते थे, ये इधर फुटपाथ पे आके बैठ जाते हैं, आके मांगने लग जाते हैं। इट इज नॉट गुड, बट मजबूरी भी हो सकती है, मजबूरी हो सकती है, बंदा मांगने लग जाता नहीं जॉब मिलती, बट अनएजुकेटेड को भी जॉब मिल जाती है, जो से बैठे होते हैं उनको भी जॉब मिल जाती है। मैं 10वीं फेल हूँ, मुझे मिल गई तो उनको भी मिल सकती है, बट फितरती मारने वाले जो से लोग होते हैं वो नहीं ऐसा बदल नहीं सकते अपने आप। तो जैसे ये लोग बोले तो फिर हेड डाउन करके बैठ गया,
इसके बारे में मैं ऐसे बात नहीं कर रहा, मैं 2-3 दिन से इनको नोट कर रहा हूँ, पहले भी इसको मैंने 2-3 बारी दिखा होगा, सो इसीलिए मैंने आप लोग से ये बात शेयर की है। सो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके मुझे बता देना मैंने सही बोला या गलत बोला, अगर गलत बोला तो भी बताना, अगर सही बोला तो भी बताना, क्योंकि मुझे भी पता लगे मैंने सही बोला या गलत बोला। जाने लगा हूँ खाना लेने, खाना ले देखते हैं क्या लेता हूँ मैं, आपको जाके दिखाता हूँ। ये बाबा फ्रीज होटल है, यहाँ से लेते हैं सामान, हाफ दाल चना, ये दाल चना पड़ी है सामने, ये लेते हैं। सो यार दूसरे होटल से हमने रोटियाँ ले ली हैं, रोटियाँ भी ले ली हैं, रायता सलाद भी ले लिया, और साथ में हमने कीमे का सालन भी ले लिया, चिकन कीमा। सो अब ये लेके चलते हैं ऑफिस। 2000 years later. सो यार भूख इतने लेवल की लगी हुई ना, इतनी ज्यादा लगी हुई है, बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। खाना मैं कब का ले आया था, घंटा हो गया मुझे खाना लाए को, ऊपर मेहमान बैठे हैं, जैसे ही वो जाएंगे फिर खाना खाना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि यार मुसीबत डल गई है यार, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। अब देखते हैं कब जाते हैं फिर खाना खाते हैं हम लोग। फाइनली यार मेहमान चले गए यार, ये खाना कौन हम लोगों ने खाया था, ये हम लोगों ने पिया था, ये सालन मेरा है और रोटी भी मेरी है। सो अब ये खाना खुना खाते हैं हम लोग, पता नहीं बहुत लेट गई, भूख नहीं लगी हुई है। सो यार खाना खाना आपके भाई ने खा लिया था, आपके भाई ने आपके भाई की चोरी की है, ये कपड़े थे लटके हुए यहाँ पे जी कूड़े। सो कोई बात नहीं, अभी जिंदगी का जिंदगी के हिस्से हैं जी, होते रहते हैं। सो इधर से ही होता हमारा व्लॉग खत्म, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, अल्लाह हाफिज। खत्म। Yeah, yeah.